फ्रेंड्स, आज एस्टेवन में हम लोगों का सेकेंड डे है और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हस्बैंड के ऑफिस के काम से यहाँ पे आए हुए हैं। तो हस्बैंड को ऑलरेडी किसी कोई लेने आए थे ऑफिस से, तो वो चले गए हैं ऑफिस और आज ही काम ख़त्म करके हम लोग आज वापस जाने वाले भी हैं रिजाइना। और अब हम जिम करने आए हैं, बच्चों के बहुत ज़िद पे मुझे आना पड़ा। और जिम के बाद अब हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम है मॉर्निंग 5 to 9। होटल में ही ब्रेकफास्ट का भी प्रोविज़न है, तो हम लोग इधर ही आ गए हैं और जो भी है वो ले लिया है हमने अपने अपने पसंद के हिसाब से। कुछ एग्स है, ब्रेड है, ऐसा ले लिया हम लोगों ने। अच्छा एंजॉय कर रहे बच्चे, एक ही दिन के लिए आए थे लेकिन फिर भी चलो कुछ तो थोड़ा चेंज हो जाता है बोल के बच्चों को भी लेके आ गए हम। और बस अब हम लोग रिजाइना वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ फ्लावर देखा बारबी को, तो बोल रही कि मुझे फ्लावर ला के दो मम्मा, मुझे फ्लावर ला के दो। तो उसी के लिए, फ्लावर लेने के लिए मैं अभी यहाँ पे आ रही हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। बस अब होटल से निकल चुके हैं, अब रिजाइना की तरफ ही हम लोग जाने लगे हैं। और फिर से वही रोड, वही खेती, वही ग्रीनरी। और रिजाइना के लिए अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंच गए हैं और एक रेस्टोरेंट में उतर के अब हम लोग कुछ ना कुछ अभी खा लेंगे और फिर से हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। गाइस, हम लोग घर पहुंच गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया घर में आके। और वैसे तो दोपहर को खा के आए थे हम लोग कुछ ना कुछ रास्ते में, लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि तो लाइट सा कुछ बना देते हैं, थोड़ा फ्रूट सलाद बनाते हैं। ये जो कि अब मैं उठी हूँ, तो चलिए फ्रूट सलाद का तैयारी करते हैं। और ये देखिए बाहर अभी भी धूप निकला हुआ ही है। आजकल यहाँ पे 10 बजे तक धूप रहता ही है, मतलब 9 बजे तक तो धूप रहता ही है, 10 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है। हर कंट्री का अपना अपना वेदर है, क्या करेंगे ना। बनाते हैं फ्रूट सलाद। मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं लास्ट वीक ही ख़रीदा हुआ, अभी सब ख़त्म नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। ये देखो पेड़ थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है और स्ट्रॉबेरी तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और मैंने चाट मसाला निकाल के लिया है फ्रूट सलाद बनाने के लिए। और फ्रूट्स सबको अच्छे से वॉश कर लेंगे सबको। और स्ट्रॉबेरी एक्चुअली बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैंने किसी को पूछा था कि कैसे इसको अच्छा रखे, तो किसी ने मुझे बोला था कि इसका जो लीव्स है ना उसको निकाल के रख देना चाहिए ठो के, तो कुछ दिन अच्छा रहता है। तो मैंने इस बार निकाल के रखा था, वैसा ही किया था, तो सच में अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, नहीं तो 2 दिन में ही वो ख़राब हो जाता है स्ट्रॉबेरी। तो आप भी ये टिप्स आजमा सकते हैं, शायद कुछ दिन अच्छा रहे। ये देखिए मेरा अभी तक नहीं तो गल जाता है, ये अभी तक गला नहीं है स्ट्रॉबेरी, अच्छा ही है अभी भी। हम लोग लेके छोड़ के गए थे, नहीं तो मैं 2 दिन में ही देखती हूँ तो ख़राब हो जाता था। तो लेकिन अब मैं इसको नहीं रखूँगी, स्ट्रॉबेरी भी पूरा मैं डाल दूँगी फ्रूट सलाद में। मैंगो भी था मेरे पास थोड़ा सा, बहुत अच्छा मैंगो है, स्वीट मैंगो है, तो मैंगो को भी मिक्स कर देंगे फ्रूट सलाद में। और मैंगो मिक्स करने से एक बहुत ही अलग टेस्ट आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। और ये ऑरेंज भी बहुत टेस्टी है, मीठा है ऑरेंज भी। पोमोग्रेनेट थोड़ा सा खट्टा है ये वाला, लेकिन फ्रूट सलाद में मिक्स करेंगे तो फिर वो उतना पता नहीं चलेगा कि ये खट्टा है या मीठा है, सबके साथ मिक्स करके खाएंगे तो। चलिए फ्रूट सलाद तो मैंने कट कर लिया है, इसमें अब मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है, ये है थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा देंगे, मेरे हस्बैंड को पसंद है बहुत ज़्यादा चाट मसाला। थोड़ा सा मैंने शुगर भी डाल दिया है, क्योंकि कोई कोई फ्रूट थोड़ा सा खट्टा भी है। और ये थोड़ा नींबू भी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आए। और ये मैं मिक्स करूँगी और बस हमारा फ्रूट सलाद रेडी। और गर्मियों में ये डिश खाने का मज़ा ही अलग है। और घर में एक कॉटन कैंडी बनाने का मशीन लिया हुआ था, बच्चे लोग वही निकाल के अभी शुगर से कॉटन कैंडी बनाने लगे हैं। और इतना आराम से ये बन जाता है, हमको लगा नहीं था कि ये सच में वर्क करेगा। जब हस्बैंड लेके आए थे तो मुझे थोड़ा गुस्सा ही आया था कि ये क्यों लेके आए, ऐसे ही पड़ा रहेगा ऐसा सोच के, लेकिन नहीं, इसका बहुत अच्छा कॉटन कैंडी बन रहा है।
और बच्चे लोग ये बना के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा शुगर दिया तो भी हो जाता है, थोड़े से शुगर से ही बहुत चरक कॉटन कैंडी बन जाता है। अभी आप देख सकते हैं कितना उजाला है, और आप गैस कीजिए टाइम कितना है अभी। अभी 9:10 हो गया है अभी का टाइम, और कितना उजाला है बाहर देखिए। आज का वीडियो और मैं इससे लंबा नहीं करूँगी, हम लोग थके हुए भी हैं, इतना दूर से आए हैं। आज का वीडियो अभी ये ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चलिए आज के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।